नमस्कार दोस्तों, रिएजुकेशन अकेडमी के पीईटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है पीईटी के लिए जो निर्धारित एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के पड़ोसी देश और उनके राजधानी इत्यादि को जो देखने का प्रयास करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी उप अवधारणाओं को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए जो है आने वाले सवालों को हल करने में आपका जो है मदद मिल सके। तो आइए हम लोग जो है भारत के पड़ोसी देशों को देखने का जो प्रयास करते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश चारों तरफ से हैं, कुछ जलीय क्षेत्र में हैं, कुछ भूभाग से जो है जुड़े हुए हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा जो है मैप के माध्यम से इसको देखने का जो है प्रयास करें, कुछ इस तरीके का जो है आकार दिखाई पड़ता है। आप लोगों को पूरा देखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा, इससे एक दिमाग में इमेज बनेगा। भारत का जो है पाकिस्तान क्षेत्र यहाँ पे है, अफगानिस्तान इसी के जो है ऊपर है या उत्तरी साइड में है, चाइना यहाँ पे है, नेपाल है यहाँ पे, भूटान है, भूटान यहाँ पर है और इसी के म्यांमार यहाँ पे है, यहाँ पे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये स्पष्ट रूप से जो है देश है। इस तरीके से जो है देश है जो है जो भारत में जो है स्पष्ट रूप से भारत के आसपास जो है जुड़े हुए हैं और इन्हें जो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या में जो है सम्मिलित किया जाता है। मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है। अब हम इन पड़ोसी देशों के जो है एक एक जानकारी को इसमें जो है देखने का जो है प्रयास करेंगे और ये बताएंगे कि क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनकी क्या राजधानी है और भारत का किस तरीके से जो है ये भारत से किस तरीके से ये लोग जो है संबंधित हैं। तो इस तरीके से जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 9 देश होते हैं जो भारत के जो है स्पष्ट रूप से जो पड़ोसी देशों के रूप में जो है आते हैं। यहाँ पर 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये जो दोनों जो है देश हैं ये जलीय क्षेत्र में भारत के पड़ोसी हैं और बाकी 7 देश हैं जो भूभाग से जो है जुड़े हुए हैं। तो इन देशों की राजधानी को हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। दूसरी तरफ चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका, म्यांमार की राजधानी नापीटा, पहले ये जो है रंगून या यंगून इसकी राजधानी होती थी, नापीटा इसकी जो है वर्तमान राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पूर्व में इसकी राजधानी जो है
कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी राजधानी जबरधनीपुरा है और मालदीव की राजधानी, मालदीव की राजधानी जो है वो माले, मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। अब यहां पर जो है इन देशों की राजधानी हमने देख लिया, इन देशों की मुद्रा को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है राजधानी के साथ साथ मुद्रा को भी रखा गया है, इससे आपकी जानकारी जो है कहीं ना कहीं व्यापक होगी। तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान की जो है मुद्रा जो है वो रुपया ही है। अफगानिस्तान का जो मुद्रा है वो अफगानी है। चीन की जो है मुद्रा का नाम जो है वो रेनमिनबी या युआन है, युआन भी कहते हैं, रेनमिनबी भी कहते हैं। नेपाल की जो है मुद्रा वो भी रुपया ही है। भूटान की मुद्रा जो नगुलट्रम है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका जो है टका, ढाका दोनों एक से मिलते हैं इसलिए याद करने में आसानी, इसकी मुद्रा का नाम टका है। म्यांमार की राजधानी नापीडा है, और म्यांमार की जो है मुद्रा का नाम जो है क्वात है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा और रुपया है, और मालदीव की राजधानी रुपिया है, पिया इस तरीके से लिखा हुआ रुपिया है। तो ये जो है भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी और उनके जो है मुद्रा का जो नाम है। अब यहां पर कुछ और विशेषता है जिसको हम इसी के माध्यम से जो देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में और उसके पड़ोसी देशों के बीच में जो है आतंकवाद को लेकर के बीच समस्या बनी रहती है, और इसका जो उदाहरण है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध हमेशा से जो असामान्य और तनावपूर्ण जो बने रहे, तो ये आतंकवाद के क्षेत्र में है। एक और विशेषता है कि भारत के पड़ोसी देशों में दो ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक एरिया हैं, भू आवेष्टित, यहां पर एक शब्द है भू आवेष्टित, भू आवेष्टित। भू आवेष्टित का क्या मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जिनकी सीमाएं जो है चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई होती हैं, उसे भू आवेष्टित या लैंड लॉक एरिया कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत अफगानिस्तान का क्षेत्र और भूटान का क्षेत्र इसी प्रकार की जो श्रेणी में आता है, ये देश जो है लैंड लॉक एरिया के अंतर्गत आते हैं, तो इसे ध्यान में रखना आवश्यक होगा आप लोगों के लिए। दो ऐसे देश हैं जहां से हमारे जो है देश में शरणार्थियों की समस्या जो बनी रहती है, तो म्यांमार है और बांग्लादेश है। इन दोनों देशों से हमारे देश में जो हमेशा शरणार्थियों की समस्या विद्यमान रही है। अब शरणार्थी, अब जो एक चकमा शरणार्थियों का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा जो बांग्लादेश से भारत की जो है रूप में जो समस्याएं पैदा करते रहे हैं और आते रहे हैं, इनको लेकर के दोनों देशों के बीच में कई बार वार्ताएं भी चल रही। तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से जो है संबंधित है। तमिलों की समस्या भी रही है, तो वो श्रीलंका से जो है रही है। दो ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा से जुड़े हुए हमारे पड़ोसी हैं, वो है माले और मालदीव और श्रीलंका है। तो इस तरीके से ये भारत के जो पड़ोसी देश के ऊपर जो है एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है। तो यहाँ पे एक और जानकारी मैं इसमें शामिल करूंगा कि जैसे बांग्लादेश है, इसे पूर्व में जो है पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और 1971 ईस्वी में इसे आज़ादी मिली और ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने देखा कि चारों तरफ हमारे पड़ोसी देश हैं और अलग अलग तरीके से इन लोगों के साथ में हमारे संबंध रहे हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान है, भारत में 106 किलोमीटर की दूरी सीमा से स्पर्श करती है, किंतु भारत में पाक अधिकृत कश्मीर और उस क्षेत्र में जो है एक डिस्टर्बेंस के कारण से जो है वह स्पर्श और जो है सीमा से जो संपर्क है वो बहुत ही अस्पष्ट हो जाता है। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पे विशेष रूप से जो है देखी जाती हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो भारत के पड़ोसी देश और उनसे भारत के जो है संबंधों को देखने और समझने का प्रयास किया। ये संक्षिप्त है, लेकिन हम आपस में और भारत के जो है पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी का होना आवश्यक है, क्योंकि कम से कम परीक्षा के दृष्टिकोण से और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से ये जो है टॉपिक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसे आप अपने जो है जानकारी में समाहित और संकलित करने का प्रयास कीजिए, और यहाँ से पूछे जाने वाले जो है विभिन्न प्रकार के जो सवालों का भी जो है हल करने का प्रयास कीजिए। तो बस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।